पूरे विश्व का ध्यान अपनी तर्क शक्ति और अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ जिस महानुभूति ने दुनिया का अपनी ओर आकर्षित किया, उस आचार्य चंद्रमोहन रजनीश यानी ओशो पर राज्य सरकार ने पहली बार एक राजकीय आयोजन की रूपरेखा रखी है। दिनांक 11, 12 एवं 13 दिसंबर को ओशो महोत्सव के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। हम इस संबंध में ओशो की ज्ञान भूमि, ओशो की कर्म भूमि जबलपुर में होने वाले इस आयोजन पर हमारे अपने शहर के कलेक्टर महोदय से उनके विचार जानना चाहते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं पूरे विश्व को। आदरणीय कलेक्टर साहब श्री भरत यादव जी। नमस्कार। देखिए, राज्य शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये निर्णय हुआ है कि शासकीय तौर पे ये आयोजन हो, ओशो महोत्सव हो। ओशो जी की ये कर्म स्थली जबलपुर रही है। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया और उनकी यादें यहाँ हर जगह उपलब्ध हैं, जो कि ओशो ट्रेल के माध्यम से भी लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया कि 10, 11, 12, 13 दिसंबर को ओशो महोत्सव जबलपुर में आयोजित होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय, जिसको हम ओशो महोत्सव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न केवल देश के सभी प्रदेशों के, बल्कि बहुत सारे देशों के लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पहले से आ भी गए हैं। बहुत सारे लोगों ने, 2,500 लोगों ने करीब रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये महोत्सव बहुत धूमधाम से हो, अच्छे से हो। ओशो का संदेश पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कर्मस्थली ये है। यहीं पे उनको ज्ञान मिला, यहीं पे उन्हें जो जो संदेश उन्होंने दुनिया को दिया है, उसकी जानकारी उनको यहीं महसूस हुई। तो ये आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, जिला जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल और विभिन्न ओशो से जुड़ी हुई संस्थाओं के माध्यम से आयोजन हो रहा है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। सुबह के जो है शिफ्ट में अलग कार्यक्रम रहेंगे, शाम की शिफ्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन रहेंगे, व्याख्यान पर चर्चाएं रहेंगी ओशो जी पे। तो इस आयोजन के लिए जबलपुर और सभी ओशो जी से जुड़ी हुई संस्थाएं पूरी तरह से तैयार हैं। आपके माध्यम से मैं सभी ओशो प्रेमियों को इस आयोजन में सहभागिता के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सब आइए, जबलपुर की आवोभाव को स्वीकार कीजिए और इस महोत्सव में भागीदार बन के इस महोत्सव को सफलता प्रदान करें। सर, एक प्रशासनिक मुखिया के तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद जबलपुर में पर्यटन की संभावनाएं किस तरह से इस आयोजन के बाद बढ़ सकती हैं। आप क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं और इससे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है वो किस तरह से आपको पूरा होते दिख रहा है। देखिए, जबलपुर में पर्यटन की बहुत संभावना है। मुझे लगता है जितनी मध्य प्रदेश में जबलपुर में पर्यटन की संभावना है, उतना किसी भी अन्य जो महानगर है उसमें नहीं है। हमारे 200 किलोमीटर के रेडियस में 3 नेशनल पार्क हैं, भेड़ाघाट है, यहाँ के जो वन क्षेत्र हैं, यहाँ के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, यहाँ का एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे यहाँ की जो सुंदरता है, पुरातत्व धरोहर है और साथ में ओशो जी की से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इस आयोजन में भी हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें इस आयोजन के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुँचें। यहाँ पे ओशो जी को लेके कई संस्थाओं के माध्यम से कई विकास काम हो, यहाँ इन्वेस्टर्स आए, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर मिले। यही सब चीज़ों को लेके जिला प्रशासन के मुखिया होने के नाते मेरा और मेरी टीम का ये प्रयास है कि हम इस आयोजन में जबलपुर को लोगों के समक्ष ले जा पाएँ। ओशो जी तो ऑलरेडी जबलपुर, ओशो जी तो अंतर्राष्ट्रीय एक, मतलब कहना चाहिए, व्यक्तित्व है व्यक्तित्व हैं, जी। लेकिन उनके व्यक्तित्व के साथ साथ जबलपुर का भी जो है नाम, जबलपुर की धरोहर, जबलपुर की संभावनाएं विश्व के कोने कोने तक पहुँचें, जिससे कि जबलपुर में पर्यटन को, विकास में, रोजगार में उसका लाभ जबलपुर को मिले। ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया है और हम जैसा कि जानते हैं कि 2 दशक से ज़्यादा का समय ओशो का जबलपुर में बीता है, मगर कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हम पूना जैसे शहरों से पीछे रह गए, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सिर्फ पूना में आते हैं। तो हम इस सोच और जज्बे को सलाम करते हैं। सर, इसमें टूरिज्म के
के साथ साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में भी हमें लगता है इसमें बढ़ावा हमको मिलेगा। यहाँ पर ओशो ट्रेल एक गतिविधि के रूप में पिछले 2 सालों से संचालित है, जिसमें हम उन स्थानों का भ्रमण करते हैं जहाँ का संबंध ओशो से रहा है, और उसमें भी माननीय कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग है। सर, उस विशेष किस्म के जबलपुर दर्शन के बारे में आपके उद्गार जानना चाहेंगे। देखिए, ओशो जी से किसी ने पूछा भी था कि आप जो मैंने सुना है, जो मैंने अभी तक समझ पाया है कि आप जबलपुर में अपने शिविर क्यों नहीं लगाते हैं या ध्यान शिविर क्यों नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जबलपुर आराम करने की जगह है, जबलपुर ध्यान की मतलब या शिविर लगाने की जगह है। जी जी जी। तो उसका मतलब ये था कि जबलपुर सबसे अच्छी जगह है जहाँ ध्यान किया जा सकता है, तो उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में यहाँ असीम संभावनाएं हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो ओशो से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनके माध्यम से यहाँ ध्यान की एक राजधानी के तौर पे जबलपुर विकसित हो, और जब यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे जो ओशो ट्रेल है उसको लोग देखेंगे, जैसे ओशो जी को जो जिस पेड़ के पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको अच्छे से प्रस्तुत हम ओशो ट्रेल के माध्यम से जो प्रतिभागी आ रहे हैं उनके सामने कर पाएँ, ये भी आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे ओशो ध्यान केंद्र यहाँ पे बने, और ओवरऑल जब ओशो ध्यान केंद्र बनेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जिन जिन क्षेत्र उनसे संबंधित रहे हैं उनका विकास होगा और ओवरऑल जबलपुर का विकास होगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो दक्षिण एशिया में और एशिया में शांति का भी कहीं ना कहीं अपना एक विस्तार और बाजार बन चुका है, और उस क्षेत्र में लोग शांति की खोज में कहीं जंगलों में जाते हैं और कहीं नदी के किनारे जाते हैं। सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर अवर इंटरनेशनल विजिटर्स, आइदर यू कैन से टूरिस्ट टू कम ओवर हेयर फॉर द जबलपुर, फॉर द टूरिज्म, वट एवर यू कैन? आई वुड ऑल्सो इन्वाइट ऑल इंटरनेशनल ओशो डिवोटीज टू कम हेयर ऑन 11, 12, 13 दिसंबर टू ज्वाइन अस इन इंटरनेशनल ओशो महोत्सव टू सी हेयर हेयर ओशो वर्कड। Actually, also we are spending most of the time of his life. So all I invite all also devotees to join us on 11, 12, 13 December. Shukriya, sir.